मुंबई में प्रॉपर ढाबा खाना चाहिए प्रॉपर मुंबई में, तो ये विजिट है कोलीवाड़ा करके प्लेस है, वहाँ पे आपको प्रॉपर ढाबा स्टाइल वही पाजी के स्टाइल में आपको खाना मिलेगा। यहाँ पे सरदार जी है यहाँ के ओनर, और उसके ही जैसा टेस्ट मिला है, जितने खुश रहते हैं खाने में उतने ही दिल से परोस रहे, सो इसका टेस्ट कैसा है वो चेक करते हैं। हेलो गाइज व्हाट्स अप, दिस इज मी योर बॉय सैम, वेलकम बैक टू माय चैनल सैम ऑन डिमांड। एज ऑलवेज से गुड फूड मेक्स गुड मूड। तो ये देखो आज आपको लेके आया हूँ मुंबई के ढाबे पे जिसका नाम है कोलीवाड़ा, चूनाभट्टी स्टेशन से एकदम नजदीक है, सायन कोलीवाड़ा बोल सकते हो आप। आपको डिस्क्रिप्शन में इसका एग्जैक्ट लोकेशन मैं मेंशन कर दूंगा, बट यहाँ का फूड देखो फैंसी आइटम नहीं, एम्बियंस वगैरह कुछ नहीं, बट टेस्ट में बेस्ट कोलीवाड़ा है, सबसे आउट ऑफ फ्रेश बोल सकते हो ऐसा ये चीज़ है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल विल गो विद दिस अदर देन, यहाँ का USP है मसाला है लॉलीपॉप, एज वी नो एप्पल चिकन भी बोल सकते हैं हम लोग। बेस्ट पार्ट है कि चिकन फ्रेश है, कोटिंग का जो लेयर है मैदे का वो ज़्यादा थिक नहीं है, थिन है, तो उसके वजह से एक प्रॉपर चिकन का टेस्ट बड़ आपको अच्छे से फील करने मिलेगा, अरोमेटिक है और हल्का सा स्पाइसी टच बोलते हैं ना, काके के ढाबे पे आ रहे हो तो मज़े करके जाओ, ये ऐसा आइटम है। इट्स लाइक टेम्पटिंग है, आई नो वेजिटेरियन लोग बोलते रहे कि यार पहले ये चिकन पे जाता है, बट आपके लिए भी यहाँ पे आइटम है, लुक एट दिस पनीर टिक्का कितना ज़्यादा थिक पीस है ये, अरे देखो कितना इजीली स्प्लिट हो रहा है। दो बेस्ट पार्ट है इसमें कि अच्छे से मैरिनेट और मसाला भर के है, बट उससे भी अच्छा और चीज़ मुझे क्या लगा तो ये लोग ये चटनी, चटनी का USP है भाई, पनीर फ्रेश है प्रॉपर नॉर्मल, बट जो चटनी के साथ ये ब्लेंड हो रहा है फ्लेवर स्पाइसेस दैट्स अमेजिंग। आई नो गलती किया मैंने, पंजाबी ढाबे पे आ रहे हो और आपने पराठा नहीं खाया तो क्या खाया, देखो स्टफिंग देखो पराठे का साइज देखो, आलू प्याज पराठा इतने सारे फूड आइटम के साथ मैंने खा रहा तो भी इसमें टेस्ट है बरकरार आ रहे, इतने देर तक मैंने उसको ठंडा किया बट उसमें टेस्ट आ रहा है, और मेन की चुई नहीं है और मैदे का नहीं है, वीट का ही बना हुआ है, अच्छा है बटरी। इतने सारे आइटम है क्या खाओ, कोलीवाड़ा में आ रहे और आप प्रॉन्स कोलीवाड़ा नहीं खाएगा कैसा चलेगा। मंत्रमुग्ध, ये आपको हाईली मतलब जितना भी हाई रहेगा उतना हाई रिकमेंड करूँगा, प्रॉन्स कोलीवाड़ा मस्ट आइटम है, मस्ट है। वेज थाली बिरयानी राइस, ये देखो राइस का बेस्ट ऑप्शन देखो, कुलचा सिमसिम हुआ अभी, लुक एट दिस, मैं थोड़ा स्ट्रगल कर रहा हूँ, जैसा इंडिया ने वर्ल्ड कप लेके आए तिरंगा वैसा ये चाइनीज का वर्ल्ड कप के लिए ये तिरंगा हार्ड है। राइस के कलर देखो, वाइट शेजवान और येल्लो, सो फर्स्ट ऑफ ऑल विल गो विद दिस, ये है कोलीवाड़ा स्पेशल, ये आप टेस्ट करने का आपको पता चलेगा ये स्पेशल क्यों है।
अंदर चिकन के अच्छे से भर के चंक्स है, और आई से फॉर नॉन वेजिटेरियन इट्स हब। सीख कैसा खाते हैं? रोटी के साथ कैसा भी, बट जब तक सीख पे लेमन नहीं छिड़केगा और उसके अंदर थोड़ा ऐसा ये ग्रीन चटनी नहीं आएगा पुदीने का, तब तक सीख को फील नहीं है। सीख को पकाना एक खुद का खासियत रहता है, इतना अच्छे से वेल कुक किया है, रॉनेस नहीं है, तंदूर का भी फ्लेवर है। Awesome. क्या क्या खाया और क्या नहीं खाया अभी तक ऐसा हो रहा है। एवरीवन विल ट्राई हियर सम चाइनीज बेल। ये स्ट्रीट वाला चाइनीज बेल नहीं है गाइज, ये कोली वाला स्पेशल चाइनीज बेल है। मुंबई की सड़कों पे ट्रैफिक पे आवाज़ आना ही है, बिना ट्रैफिक के मुंबई नहीं चलती। सो लेट्स गो। That's not regular Chinese bell guys, definitely. अगर मुझे रिव्यू करने से अच्छा ऐसा लग रहा है कि मैं इसको डिग इन करते जाऊँ। आई मस्ट से ये ढाबे पे अगर आप आ रहे हो तो पंजाबी नॉर्थ इंडियन से बच्चा तो है, बट इनका चाइनीज भी उतना ही बेस्ट है और हॉट सीलिंग आइटम है। जितने भी जन आ रहे हैं यहाँ पे सब लोग ये ट्राई कर रहे ही है। आप बताओ क्या खाना चाहिए। चलो आप बोल रहे हो तो वेज आइटम में ही हम लोग ये ट्राई करते हैं। ये वेज पेशावरी है शायद से, दिखने में तो राजेशाही वाला लग रही है। विल गो विद दिस, लाइक ज़्यादा ख़राब नहीं करूँगा, ऑब्वियसली मैं इतना नहीं खा पाऊँगा अकेला। पनीर के चंक्स विद सम ग्रेवी। ढाबा का प्रॉपर फीलिंग आ रहा है इसमें, तंदूर का चारकोलनेस का वो रोटी में फ्लेवर, और ये ग्रेवी फ्लेवर एनहांस कर रहा है। मज़ा तो आ रहा है भाई। कोलीवाड़ा में आके आप ये ट्राई करोगे और आपको नहीं अच्छा लगा तो इसके पैसे मैं दे दूंगा, अगर आपको टेस्ट में सच्ची नहीं अच्छा लगा तो। और अच्छा लगा तो आप सब्सक्राइब करो, फॉलो करो सैम ऑन डिमांड को, ताकि आपसे ऐसे फ्लेवरफुल वीडियोज़ और कैफे मिस नहीं होने चाहिए। नूडल्स में जैसे आप ये देख सकते हो, ये है सिंगापुर नूडल्स, लाइक चिलीज है इसमें, येल्लो कलर में रहता है। शेजवान राइस, शेजवान नूडल्स, ये सब आपको रेगुलर मिलते रहता है, बट बहुत कम जगह पे आपको सिंगापुर हांगकॉन्ग राइस नूडल्स मिलते हैं, तो उसमें से ये एक जगह है। प्लेट रखने का जगह नहीं, मैं नॉर्मल प्लेट ले रहा था, बट स्टिल लेट्स गो। As I told you guys, चाइनीज लोग का USP है। चाइनीज बेफिकर आप मंगाओ, बेफिकर। लास्ट बट नॉट द लिस्ट, इतना सारा आइटम है, क्या खाओ और क्या नहीं खाओ ऐसा हो रहा है। दाल तड़का ये सब है, आपके लिए मटन ट्राई करता हूँ। देखो मटन चाप, आहा आहा आहा, ग्रेवी मटन का। जिंक लो मित्रा, अपन जिंक लो। ये भाई सर प्याज टमाटर, उसका प्रॉपर फ्लेवर, ऑयल यूज किया, बट सबसे अच्छा है कि ये चाप अच्छे से पका है मटन। और क्या चाहिए, जिनको चाहिए रहा तो आपको खाना पड़ेगा ये बिरयानी। लुक एट दिस कलर, देखो बिरयानी का यार, कितना टेम्प्टिंग लग रहा है। बिरयानी ज़्यादा ड्राई भी नहीं है और ज़्यादा सॉगी भी नहीं है, दैट्स द बेस्ट पार्ट ऑफ दिस बिरयानी। माइल्ड स्पाइस है, दम बिरयानी है सर।
वैसा प्रॉपर आपको दम का तो फ्लेवर नहीं आएगा, बट बिरयानी जो कॉन्टिनेंटल बिरयानी रहता है इट्स काइंड ऑफ दैट। शेजवान राइस है, हाउ कैन आई मिस दिस। जन्नत प्यारे जन्नत, ये आइटम है ये आप जरूर ट्राई करो। ये वो आइटम है चिकन चस्का मस्का, ग्रेवी देखो फ्लेवर देखो। एब्सोल्युटली पिंगल लिखी। सो ये सब अभी खाऊंगा मेरे दोस्तों के साथ, यहाँ पे ट्राई करूंगा ख़त्म करने का, बट होगा नहीं होगा ये आपको वीडियो के लास्ट के एंड में पता चलेगा। सो आप आपको वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करो, अभी तक सैमॉन डिमांड को फॉलो नहीं किया इंस्टाग्राम फेसबुक स्नैपचैट तो अभी के अभी फॉलो करो, ताकि आपसे ऐसे फ्लेवरफुल वीडियोज़ और कैफेज मिस ना हो। तो मिलेगा कुछ ऐसे डिस्ट्री एक्साइटिंग वीडियोज़ के साथ, टिल देन स्टे ट्यून, टेक केयर, कीप लविंग एंड शेयर दिस वीडियो एज मच एज पॉसिबल। दिस इज मी योर बॉय सैम साइनिंग आउट।